नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत खास और बहुत अच्छी जानकारी है। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। प्रिय दर्शकों, तांत्रिक ग्रंथों में अक्सर एक वस्तु का नाम कई बार कई जगह पढ़ने को मिलता है, कई जगह सुनने को मिलता है। वह वस्तु है गोरोचन। क्या आप जानते हैं ये गोरोचन क्या होता है और इसकी इतनी सारी चर्चाएं क्यों होती रहती हैं, और ये किस काम आता है, और ये कहां प्राप्त होता है, कहां मिलता है? आइए प्रिय दर्शकों, आज इसी विषय में जानते हैं कि गोरोचन क्या है और कहां मिलता है और ये क्या काम करता है। हमारे जीवन में गोरोचन की हमें क्या जरूरत पड़ सकती है और हमारे जीवन में गोरोचन से हम क्या बदलाव ला सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, गोरोचन बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है। प्रिय दर्शकों, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में लालिमा होती है, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में लालिमा लिए हुए होता है। यह पदार्थ एक मोम की तरह होता है। यह सूखने पर कड़वा हो जाता है। जब यह सूख जाता है तो इसका स्वाद कड़वा हो जाता है, कड़वा लगने लगता है। इसे कई लोग गोपित भी कहते हैं, लेकिन दरअसल में ये गोपित नहीं होता, ये गोमाता का पसीने से बनता है। गोरोचन गोमाता के पसीने से बनता है। प्रिय दर्शकों, कई लोग ये भ्रांति फैला रखी है कि गोमाता के पित्त में ये एक पत्थर बनता है। नहीं, ये गोमाता का पसीना होता है, गोमाता के पित्त में नहीं बनता, ये पसीने से बनता है। प्रिय दर्शकों, गोरोचन दरअसल में एक ऐसी सिद्ध वस्तु है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह स्वयं ही सिद्ध होता है और यह वस्तु हर वो कार्य कर सकती है जो इंसान जीवन में करना चाहता है। इस गोरोचन का अनेक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे धन संपत्ति, सुख समृद्धि, जमीन में गड़ा धन पाने के लिए, जमीन में गड़ा धन का पता लगाने के लिए, ठीक है, वशीकरण के लिए। सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो वशीकरण के लिए किया जाता है। जो लोग इसका वशीकरण का प्रयोग जानते हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, तंत्र मंत्र वाले जो लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग वशीकरण के लिए करते हैं। आम आदमी इसका सुख संपत्ति, सुख समृद्धि पाने के लिए उपयोग करता है। गोरोचन हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। गोरोचन हर घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोरोचन हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा दूर रखता है और हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि आती रहती है, मां लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। गोरोचन शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट भी गोरोचन मिलते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। प्रिय दर्शकों, गोरोचन यदि आपको मिलता है, अच्छा वाला शुद्ध गोरोचन मिलता है, तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। वशीकरण करने वाले लोग गोरोचन के अंदर सिंदूर मिला करके रोज इसका तिलक करते हैं। इसका तिलक करने से लोग वशीभूत हो जाते हैं, मन चाहा काम आप कर सकते हैं। गोरोचन इतना तीव्र वशीकरण करता है। राज के संबंधी कार्यों में यदि आप जाते हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप गोरोचन में सिंदूर मिला करके उसका तिलक करें, उसके बाद जाएंगे तो आपका जरूर काम बनेगा। प्रिय दर्शकों, लोग ये भी कहते हैं कि गोरोचन गो माता के पित्त में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का कहना है कि गो माता के पित्त में एक बनने वाला पत्थर है और इसको प्राप्त करने के लिए गो माता की हत्या की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गोरोचन जो है गो माता का पसीना होता है। प्रिय दर्शकों, गोरोचन और भी आयुर्वेद में बहुत से काम करता है। गोरोचन से मां लक्ष्मी का सदैव आगमन बना रहता है। प्रिय दर्शकों, गोरोचन प्राप्त करने का जो समय और नक्षत्र होता है वो रवि पुष्प नक्षत्र बताया गया है। रवि पुष्य नक्षत्र में गोरोचन को प्राप्त करें। यदि आप गोरोचन बाजार से या कहीं से भी खरीद के लेके आते हैं, तो गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में लेके आए। लाने के बाद इसको पूजा के स्थान पर रखें, चांदी या सोने की डिबिया में बंद करके इसके साथ थोड़ा सा सिंदूर मिला करके और इसको पूजा के स्थान पर रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपके परिवार में कोई बंदा बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सा गोरोचन का टुकड़ा लेकर के और पानी में
और उसको पानी में पिघला करके उस व्यक्ति को पिला दिया जाए तो प्रिय दर्शकों कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यदि गोरुचन का रोज सुबह तिलक करते हैं तो प्रिय दर्शकों आपके घर में सदैव सुख समृद्धि आती है। गोरुचन से टीबी जैसे असाध्य रोगों का भी इलाज किया जाता है। टीबी के मरीज को गोरुचन और जायफल का टुकड़ा थोड़ा सा घिस करके पानी के साथ मिला करके टीबी जैसे मरीज के लोगों को गोरुचन पिलाया जाए तो वो ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा योगदान है। गोरुचन यदि मिर्गी वाले लोगों को पिलाया जाए तो मिर्गी भी ठीक हो जाती है। मिर्गी वाले लोगों के लिए थोड़ा सा गोरुचन का टुकड़ा और थोड़ा सा गोरुचन का टुकड़ा और थोड़ा सा सफेद चंदन का टुकड़ा घिस करके यदि मिर्गी वाले लोगों को पिलाया जाए तो कुछ ही दिनों में मिर्गी का दौरा समाप्त हो जाता है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों गोरुचन के बहुत बड़े फायदे होते हैं। गोरुचन गौ माता के पसीने से बनता है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि गोरुचन गौ माता के पित्त में बनता है। प्रिय दर्शकों लेकिन ऐसा नहीं है कि गौ माता के पित्त में बनता है, नहीं, गोरुचन गौ माता का एक पसीना होता है। उस पसीने को इकट्ठा किया जाता है और धीरे धीरे वो ठोस रूप में हो जाता है। प्रिय दर्शकों गोरुचन बहुत बड़ी चीज है। यदि आप घर में रखते हैं तो सदैव आपके घर में सुख समृद्धि यश वैभव की आपकी प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी का सदैव आगमन होगा। गौ माता की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। इसीलिए गोरुचन आपके घर में होना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर के पितर देवी देवता रूठे हुए हैं और वो किसी भी कार्य को नहीं बनने देते तो आप गोरुचन अपने घर में रखें। ऐसा करने से आपके सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न होंगे। प्रिय दर्शकों गौ माता की असीम कृपा से सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं यदि गोरुचन आप अपने घर में रखते हैं तो। इसमें गोरुचन में हल्की हल्की सुगंध आती है। ये मोम की तरह होता है, हल्के पीले कलर में होता है और हल्का लालिमा लिए हुए होता है। गोरुचन गौ माता के पसीने से बनता है। प्रिय दर्शकों हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता बहुत पूजनीय है और गौ माता के गोरुचन में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए, गोरुचन में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गोरुचन को हमेशा पूजा स्थान पर रखें। गोरुचन की रोज सुबह शाम धूप आरती करें, पूजा पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों गौ माता बहुत चमत्कारी होती है और यह गोरुचन गौ माता से प्राप्त होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि गोरुचन कहां मिलेगा तो प्रिय दर्शकों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गोरुचन गौ माता से प्राप्त होता है, गौ माता के पसीने से प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों गोरुचन गौ माता से प्राप्त होता है, इसीलिए गोरुचन आप अपने घर में जरूर रखें। यदि आप सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो अपने घर में गोरुचन अनिवार्य है। गोरुचन में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। प्रिय दर्शकों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें यदि आपके घर में आप धन संबंधी परेशान हैं, जीवन भर मेहनत कर रहे हैं और पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में ही जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में गोरुचन अति आवश्यक है। आप रवि पुष्य नक्षत्र में गोरुचन लेके आए और अपने घर में रखें। यदि आप सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो अपने घर में गोरुचन अति आवश्यक है। आप अपने घर में गोरुचन रखें। जो लोग गौ माता की पूजा नहीं कर सकते, जो लोग गौ माता को अपने घर में नहीं रख सकते, ऐसे लोग गोरुचन अपने घर में रखें और गोरुचन की सुबह शाम पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आपको वही पुण्य मिलेगा जो गौ माता की सेवा करने से मिलता है। प्रिय दर्शकों गौ माता में वही 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और सबसे ज्यादा आशीर्वाद 33 कोटि देवी देवताओं का गोरुचन में होता है। इसलिए गोरुचन अपने घर में जरूर रखें। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि यदि 33 कोटि देवी देवताओं का किसी को आशीर्वाद मिल जाए तो उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए अपने घर में गोरुचन अवश्य रखें। याद रखें गोरुचन शुद्ध और ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट गोरुचन भी मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों
इसलिए पहचान किसी जानकार की पहचान से आप ओरिजिनल गोरुचन ही खरीदें। गोरुचन लाने के बाद आप देखेंगे अपनी आंखों से कि आपका धीरे धीरे समय बदलने लगेगा। सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और आपका जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। प्रिय दर्शकों, हमारा सदा से यही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक हम पहुंचाए। इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। कमेंट बॉक्स में जय गो माता जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये प्यारी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।